तो आई थिंक दिस टॉप इज फॉर यू टेन आउट ऑफ टेन द ओनली थिंग आई डोंट लाइक फिटिंग हाई गायज वेलकम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई एम ने हाजू एल एंड इफ यू आर न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ एंड जॉइन दिस ब्यूटिफुल लवली यूट्यूब फैमिली I have few tops from Mintra and today we are going to do a try on haul. सारे के सारे tops 500 rupees के अंडर हैं, so yeah, these are very affordable. And actually, I tried कि मैं वही colors चुनूं जो कि summers में appropriate हो. Let's start. तो सबसे पहले start करते हैं with the first top, which is this from Forever 21 and this is in this color, the color yellow. Color देख के ये मैंने मंगाया था. Even though I like जो pattern था इसका and

और जैसे ही मैं अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करती हूँ वो ना सब निकलने लगते हैं अपने आप ही मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये टाइट है या लूज है <laughs> एक और चीज गाइस यहां से इस एरिया से ना ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है मे को ना इसको पहनने के लिए दो बटन ओपन करके पहनना पड़ रहा है उसके बाद में से पहन पा रही हूँ लाइक मैं फुल बटन लगा ही नहीं पा रही बिकॉज दीज आर सो टाइट लग ही नहीं पा रहे हैं वो बटन मैंने इसको इसलिए खरीदा था बिकॉज ये इतना प्यारा लगा था ना उस वक्त साइड पे देखने में कि क्या ही बताऊं इतना सुंदर और पहनने के बाद ये मुझे और मुझे सा लगा भी यार, क्या ही है एंड like तो उसको देख के ही मैंने ये लिया कहते हैं कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं निकलती है एंड दिस इज इन द साइज स्मॉल दो एक्स्ट्रा स्मॉल होता तब भी मुझे समझ में आता है स्मॉल स्मॉल इज माई यूज

वो लुक दे रखा है इन लोगों ने पीछे से स्ट्रेचेबल भी है वैसे इसका मेटेरियल जो है कपड़ा जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है बिल्कुल भी बट पीछे उन्होंने स्ट्रेचेबल दे रखा है इस तरीके से पफी स्लीव्स है आई लव दीज काइंड ऑफ स्लीव्स एवरीथिंग इज लाइक इसमें ना पूरे में एकदम प्रिंसेज वाइव मैं कह रही हूँ ना इसके नीचे अगर आप वाइट कलर की प्यारी सी स्कर्ट पहनोगे इसके साथ इट विल लुक सो गुड आई एम टेलिंग यू क्योंकि इतना प्यारा खुद ही में टॉप है पीछे ना इस तरीके की डोरी दी गई है ताकि आप इसको टाइट एंड लूज़ कर सको विच इज़ वेरी गुड द ओनली थिंग आई डु लाइक इज द मेटेरियल क्योंकि एक तो ये बिल्कुल ब्रिदेबल नहीं है और समर्स के हिसाब से यह थोड़ा सा I don't know, थोड़ा सा किसी किसी की स्किन को इरीटेट कर सकता है आई फील मुझे ऐसा लगा आई यू नो बाकी मेरे लिए तो ये एकदम टेन आउट ऑफ टेन है एंड जिस हिसाब से जिस प्राइस में मुझे मिला आई गेस दिस इज फाइन नेक्स्ट आई हैव इज दिस एकदम मैजेंटा कलर का टॉप एकदम डार्क हॉट पिंक ओके <laughs> okay. देख के पता चल रहा होगा कि इस टॉप को मैंने क्यों लिया है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रैप्स एंड पार्टीज वार्टीज के लिए ये टॉप बहुत ज्यादा सही है एंड इसका कलर भी एकदम बिल्कुल हॉट पिंक है आई लव द गोल्डन डिटेलिंग जो इस पर चेन वाला दिया गया है दिस इज ऑब्वियसली प्लास्टिक गाइज एंड आई गॉट दिस इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल जो इसके ऊपर जो इस तरीके का डिटेलिंग दे रखी है ना एकदम uh, क्या बोलते हैं इसको काफ़ी जो भी डिटेलिंग दे रखी है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है लाइक वेव्स वेव्स टाइप से बनी हुई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यू ना जो बैक की डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है तो आई थिंक दिस टॉप इज़ फॉर यू बिकॉज इट्स सो सो आगे से बहुत ज़्यादा बेसिक है बट पीछे से लुक एट इट इट्स सो लवली इट्स सो कूल आई गेस पार्टीज़ के लिए क्लबिंग के लिए आई गेस यू कैन ट्राई दिस आउट दिस टॉप विच इज़ Um, सच्ची सच्ची बताऊँ तो ये टॉप को पहनने के बाद इसको पहनने के लिए दूसरा इंसान लगता है मतलब एक और इंसान की हेल्प चाहिए क्योंकि एक तो ये स्ट्रेचेबल नहीं है इवन तो उसको देखने के बाद ना जिस दिन ये मेरे को रिसीव हुआ था उस दिन मुझे लगा था कि यार ये टॉप मेरे लिए नहीं है क्योंकि एक तो ये इतना फेडेड है अजीब सा ही टॉप है यार एक बार धुलने दूंगी ना इसको तो तो इसका कलर सारा चला जाएगा बिकॉज लुकेटेड हाँ लुकेटेड कैसा लग रहा है ये बट का द फिट फेट को देख के ना मेरे को मैं सब भूल गई सारी कमियां इसकी पानी में चली गई क्योंकि इतना सुंदर फिट एकदम एकदम इधर से टाइट और एकदम प्यारा लुक ओ गॉड आई मतलब मुझे एकदम प्यार हो गया स्टॉप से सो <laughs> या so yeah, अगर आपको इस तरीके का फिट पसंद है जैसा मैंने पहना हुआ दिख रहा है तो आप ले सकते हो उसको गो फॉर इट गाइड बिकॉज इट्स सो लवली और मेरे पास एक भी टॉप नहीं है मेरे पास इस फिटिंग का सो so, मेरे लिए तो ये ऐसा था कि यार न्यू चीज मुझे मिल गई है सो या आई लाइक इट ओके इज नो वे की दिस इज इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड येस ये याद रखना कि जब भी आप कोई भी साइज इसमें मंगाओ तो ट्रू टू साइज रहना ठीक है ज्यादा लूज मत मंगाना या ज्यादा टाइट मत मंगाना बिकॉज वो फिट नहीं होगा बिकॉज ये कपड़ा बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है बट अ गुड थिंग इज दिस इज कॉटन दिस इज नॉट समथिंग की आपको बहुत इरिटेट करेगा मतलब कॉटन के साथ कुछ तो मिक्सड है बट इतना ज्यादा इरिटेट करने वाला कपड़ा नहीं है विच इज अ गुड थिंग सो या गाइज आर नेक्स्ट स्टॉप इज दिस सो so पेटी ये मुझे अभी कल ही रिसीव हुआ है दिस टॉप ब्यूटिफुल ग्रीन आई डोंट नो सेज ग्रीन बोलते हैं इसको आई गेस दिस कलर को एंड आई लव द रफल डिटेलिंग जो उसके ऊपर हो है मैं ना आजकल एकदम टेक्स्चर एकदम अलग जिनका होता है ना एकदम अलग अलग डिटेलिंग्स होती है वो वाले ज़्यादा पसंद आने लगे एकदम प्लेन टॉप्स मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे हैं आजकल और मुझे लगता है आपके पास वेराइटी होनी चाहिए बेसिक्स तो होते ही होते हैं बट आप बेसिक्स कितने ही खरीदोगे राइट आपने एक बार बेसिक खरीद लिया अगर आप होगी बहुत मिनिमल कपड़े खरीदते हो तो गो फॉर बेसिक्स लाइक वो हमेशा चलते हैं हमेशा एवरग्रीन बट इफ़ यू आर सावन हु लव शॉपिंग एंड यू डू मतलब आप करते रहते हो शॉपिंग तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास कलर भी हो लाइक ब्लैक एंड वाइट आप कितने ही पहनोगे सो तो कलर भी हो सो या दैट्स वाई आई गॉट दिस वन एंड आई लव दिस पार्ट एज वेल लाइक जो इसकी स्टेप्स है वो भी मुझे अच्छी लगी द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट कि स्ट्रेप्स जो है ना एकदम पास पास है लाइक like, यहाँ पे इसकी स्ट्रेप्स हैं वट इज दिस बिहेवियर मैन आई लाइक माई स्टेप्स टू बी हेयर लाइक यहाँ तो रखो एटलीस्ट मतलब स्टेप्स कहाँ होनी चाहिए वहाँ रखो ना इतना पास को स्टेप बनाता है भाई <laughs> तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई बट तो ठीक है और या इसमें ना आपको चेन रखी है साइड में तो इसको पहनने में भी थोड़ा सा ईजी रहता है एंड ये कपड़ा भी स्ट्रेचेबल नहीं है बिल्कुल भी गाइज मोस्ट ऑफ द टॉप्स आर नॉट स्ट्रेचबल तो मेक श्योर शौक कि आप वही साइज़ मंगाओ जो आपको एकदम आ जाए ठीक है स्ट्रेच बिना किए हुए तो एक साइज अब भी

में ट्रेंड आया था तो वो लोग पहन रहे थे वैसा वाला टॉप है और ये टॉप्स ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं लाइक like, जो लोग पहन सकते हैं उनके लिए बोल रहे जो नहीं पहन पाते हो आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स बट या Uh, I like the top overall. I love it. I love the fit. Even though this is मतलब nah, ये बिल्कुल भी आपको कहीं से भी रिटेट नहीं करते बिकॉज दे आर लूज ऑब्वियसली ठीक है एंड जो इसकी स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल है तो या बहुत ही ईजी पड़ता है इसको ईजी पीजी थिंग है सो आई लाइक दिस टॉप एज वेल आई गेंस दिस इज़ ऑल्सो इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल आपको यहाँ पर दिख जाएगा और प्राइस भी आपको दिख जाएगा सारे के सारे जितने भी टॉप्स मैंने अभी दिखाया सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अगर आप और भी बहुत सारी हॉल्स देखना चाहते हो ना तो कॉमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना बिकॉज बहुत सारी हॉल मैं बनाती रहती हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी एम नेक्स्ट वीडियो एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना बोला